सुप्रभात बच्चों, आज की पढ़ाई जो होगी आपकी, जरा मैं देख लेता हूँ। कहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है? मनुष्य ही महान, ये जो शीर्षक है इसमें अकबर और बीरबल के बीच जो संवाद हुई है, या फिर और से सभासद पात्र के रूप में जो हैं, सभासद जो है सो बीरबल से कुछ क्वेश्चन करते हैं। बीरबल सारे प्रश्न का जवाब एक ही देता है कि सब में बड़ा महान है मनुष्य। अगर मनुष्य नहीं होता तो तुम लोगों का ये सारा प्रश्न ही बेकार हो जाता। मनुष्य के कारण ही यह प्रश्न तुम एराइज कर रहे हो, बोल रहे हो, इसलिए मनुष्य ही सबसे महान होता। उसके बाद सेवन दिन कल मैंने पढ़ा ही दिया था, अगले दिन मैं सबसे छोटी हूँ। इसमें बच्ची की क्या अपनी मनोकामना होती है, अपनी क्या इच्छा होती है कि मैं बड़ी नहीं हो, बड़ी होने से माँ का सानिध्य प्यार ममत्व में कमी आ जाती है, इसलिए मैं छोटी ही क्यों न रहूँ जो माँ का संपूर्ण प्यार मुझे मिलेगा। उसके बाद अब आइए, आज की पढ़ाई होगी आपकी वीर हरक्यूलस। क्या होगी? वीर हरक्यूलस। हरक्यूलस का नाम आपने सुना होगा, हरक्यूलस का नाम आपने सुना होगा। प्राचीन काल में यूनान देश में एक वीर योद्धा हरक्यूलस था। इंडिया की बात नहीं है, यूनान की बात, बहुत पहले की बात है, प्राचीन काल की बात। यूनान देश में बड़े ही एक वीर योद्धा हरक्यूलस हुआ करते थे, जिनके पास अथाह शक्ति थी, और उस शक्ति के कारण सारे इलाकों में उनकी प्रसिद्धि थी। अपने प्रसिद्धि से ही वो अपने क्या कहते हैं शक्ति के कारण ही वे लोगों के दिल में अपना जगह बनाए हुए थे। उनका परिचय उनकी शक्ति थी। एक बार की बात है, जब कोई भी बात चारों ओर फैल जाती है, किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि जब निरंतर चारों ओर फैल जाती है, तो करीब करीब सबों के कानों तक वो बात आ जाती है, खास करके राजा महाराजा के कान तक तो जरूर आ जाती है। यूनान के बादशाह के कान में जब ये बात गई कि अपने वीरत्व के कारण हरक्यूलस बड़ा ही प्रसिद्ध होता जा रहा है, तो उसने अपने दरबार में हरक्यूलस को बुलाया, कहा कि आजकल तुम्हारी प्रसिद्धि काफी फैल रही है, हमें भी तुम्हारी प्रसिद्धि के बारे में जानकारी मिली है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरा एक विचार है। कहा कि कहिए क्या विचार है। तो बादशाह, यूनान के जो बादशाह थे, वो कहे कि हम चाहते हैं कि तुम जाकर
हेस्पेराडस के बाग से हमारे लिए 3 सेब ले आओ, सोने का सेब, सोने के 3 सेब ले आओ। हरक्यूलस यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसके दिमाग में आई कि सेब, सोने का सेब लाना कोई भारी बात नहीं है, लेकिन जिस बाग का नाम बादशाह ले रहे हैं उस बाग को तो कोई जानता भी नहीं है, हम भी नहीं जानते हैं, कभी उस बाग के बारे में हमको कभी किसी ने बताया नहीं, उससे परिचित भी नहीं हूँ मैं। फिर उस बाग में जाना है और 3 सोने का सेब लेकर के आना है, थोड़ा कठिन काम तो जरूर है। बहुत हैरान हुआ यह सुनकर के हरक्यूलस। लेकिन दंत कथा उस बाग के बारे में यह थी, लोग उस बाग के बारे में ये बोला करते थे कि हेस्पेराडस एक बाग है जिसकी रक्षा चारों ओर से, उसकी सुरक्षा एक भयंकर अजगर करता है ना। यदि कोई भी व्यक्ति भूल से भी उस बाग में चला जाता है तो वह अजगर उसे खा जाता है। और अजगर की विशेषता यह है कि वह कभी सोता भी नहीं है। होता है ना 24 घंटा में, मान लो कि रात में वो 4 घंटा सो जाता या दिन में 4 घंटा सो जाता, तो चुपके से लोग उस बाग में जाते, जो लाना उना होता वो अपना लाते, वो भी बात नहीं है। वह अजगर 24 आवर्स मतलब 24 घंटा वो जगा रहता है, सोता ही नहीं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को उस बाग तक जाना, अपने हाथ प्राण से हाथ धो लेना होगा। और एक तो की सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर किसी तरह बाग में लोग चला भी जाए तो फिर ये सोने का सेब कहाँ से लाएगा। हाँ, फल सेब, रूपी जो फल होता है उसको कोई ला सकता है, लेकिन यहाँ तो डिमांड है सोने का फल लाने का, सोने का सेब लाने का। बड़ा ही दुर्लभ कार्य है यह। हरक्यूलस अपने मन में ये बात सोचा, लेकिन यहाँ तो बादशाह की आज्ञा थी, वो अपने आप को वीर भी था, वीरता की प्रसिद्धि थी चारों ओर, और इधर बादशाह का आदेश था। हरक्यूलस उस बाग की तलाश में, खोज में निकल पड़ा। उसने प्रत्येक व्यक्ति से उस बाग के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। एक नगर से दूसरे नगर में जा जाकर लोगों से इसके विषय में सलाह मशविरा लेने की कोशिश की कि भाई उस बाग तक जाने का केवल मार्ग मुझे बता दो, रास्ता मुझे बता दो, है ना, कि मैं कैसे उस बाग तक पहुंच सकता हूं। उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना है, उसके बाद मैं संभाल लूंगा,
लेकिन उस रास्ते उस बाग तक जाने का रास्ता तो मुझे बता दो। लेकिन किसी को इस बाग तक जाने का रास्ता पता होता तब ना, किसी ने उस बाग तक जाने का पता नहीं बता पाया। इसी क्रम में एक दिन वह भटकते भटकते एक नदी के किनारे पहुंचा हरक्यूलस। उसने वहां का जो दृश्य देखा देखकर दंगड़ा गया। देखा कि नदी के किनारे परियां नाच रही हैं, परियां नाच रही हैं। उसने सोचा कि परी को उस बाग के विषय में होगी जानकारी, चले जरा परी से हम पूछ लें। हरक्यूलस उस परी के पास पहुंचा और परियों से बाग के बारे में पूछा, तो परियों ने बताया कि तुम समुद्र तट पर चले जाओ, है ना, यहां से काम तुम्हारा बनने वाला नहीं है, तुम समुद्र के किनारे चले जाओ। और उस समुद्र तट का जो एक बूढ़ा व्यक्ति है, वही बूढ़ा व्यक्ति उस बाग का पता तुम्हें बता सकता है। लेकिन कंडीशन है, शर्त है कि वह बूढ़ा जो है आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है, वो राक्षस है जो क्या कहते हैं अपना रूप बदलता है, मायावी है, है ना, जब जो रूप चाहता है वो रूप बना लेता है, शरीर परिवर्तन कर लेता है, उसमें ये गुण है। जो अपना शक्ल को ही बदल लेता है। परियों की बात सुनकर हरक्यूलस समुद्र तट की ओर चल दिया, कहा कि देखा जाएगा राक्षस से जो टक्कर होगी तो उस समय सोचा जाएगा कम से कम समुद्र तट की ओर तो चला जाए। वह हरक्यूलस जाते 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 समुद्र तट पर चला गया। उसने देखा कि एक वृद्ध समुद्र के तट पर पूरी गहरी निद्रा में सोया हुआ था। वह धीरे धीरे बिना किसी शोरगुल बिना किसी आहट के उसके पास पहुंच गया। लेकिन उस बूढ़े की नींद नहीं टूटी। अब हरक्यूलस ने उस बूढ़े का बांह पकड़कर उसे हिलाया और उसे नींद से जगाया। जब वो नींद से जग गया तो वो जो प्रश्न करता उससे पहले हरक्यूलस ने प्रश्न कर दिया उससे, बताइए जनाब, हेस्पेराडस, हेस्पेराडस बाग जाने का कौन सा मार्ग है। जैसे ही हरक्यूलस ने बूढ़े से यह प्रश्न पूछा, वैसे ही बूढ़ा एक भयानक बब्बर शेर बन गया और हरक्यूलस पर झपटा। एक तो कि बेचारा गहरी निद्रा में सोया हुआ था, उसे गुस्सा आई, दूसरा कि वह राक्षस था, आदमी को कुछ बूझता, तुरंत अपना वो बब्बर शेर वाला भेष धारण किया और मारा झपट्टा उसको खाने के लिए। लेकिन हरक्यूलस को
ये बात पहले जानकारी थी कि वो अपना भेष बदलता है, तो उसके लिए पहले ही से वह तत्पर था, तैयार था। वह उस परिस्थिति से डरा नहीं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला किया और शेर को कसकर जकड़ लिया, पकड़ लिया। अब ये तो वीर था ही, मजबूत था, शरीर था ही इसका, काफी स्ट्रांग था। शेर को ऐसा जकड़ के पकड़ा कि शेर का तो सिट्टी पिट्टी गायब हो गई, शेर की सारी शक्ति समाप्त हो गई। झट से उसने अपना रूप बदल दिया। कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं झट से शेर से, बब्बर शेर से विषैला एक सांप बन गया, ताकि सांप को देख करके भी हरक्यूलस डर जाए। लेकिन यह तो निडर था हरक्यूलस। हरक्यूलस ने उसे पूरी ताकत से उसके मुंह को कितना कस के पकड़ लिया कि सांप का भी सिट्टी पिट्टी गायब हो गया। उसके बाद उस बूढ़े ने अपने आप को अग्नि बना लिया, उससे भी हरक्यूलस को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाद में उसने अपने शक्ल को बाघ का रूप दे दिया। लेकिन वीर हरक्यूलस ने हाथ की पकड़ मजबूत रखी। अंत में वह बूढ़ा सरेंडर बोल के और विनम्रतापूर्वक पूछता है, श्रीमान आप क्या चाहते हैं, श्रीमान आप क्या चाहते हैं। हरक्यूलस ने फिर वही प्रश्न दोहराया। उसने कहा, आप सूर्य अस्त होने की दिशा में चलते जाइए, वहां आपको एटलस नाम का एक राक्षस दिखाई देगा जो आकाश को ऊपर उठाए हुए है, वही तुम्हें इस बाघ का पता बता सकता है। अब वो बूढ़ा जो है, देखा क्या, जो हम तो रूप भी बदले फिर भी इस पर कोई प्रभाव न पड़ा, तो अंत में वो पूछता है, क्या पूछता है, आपका यहां आने का प्रयोजन क्या है, बताइए। तब उसने फिर वही प्रश्न को दोहराया कि हमको भाई बाघ जाने का रास्ता बता दो। कहा कि ठीक है, आप यहां से सीधे कहाँ जाइए, सूर्य जिधर दिशा में अस्त हो रहा है उस दिशा में आप आगे की ओर चले जाइए। बहुत आगे जाने के बाद वहां आपको एक एटलस नाम का राक्षस दिखाई देगा जो अपने ही सर पे आकाश को उठाए हुए होगा।
बाघ का पता पूछिएगा, वो बता सकता है। बूढ़े राक्षस की बात सुनकर हरक्यूलस जो है सो सूर्य अस्त होने की दिशा जा, अर्थात सूर्य तो पश्चिम दिशा में अस्त होता है, उस दिशा में चल दिया। चलते चलते वह एक ऊंचे पर्वत के पास पहुंच गया। वहाँ उसने देखा, एटलस ने आकाश को अपने कंधों पर उठा रखा है। वह एटलस के पास जाकर खड़ा हो गया। एटलस ने भयानक आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? दो बात पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? हरक्यूलस ने नीडर होकर उत्तर दिया, मैं हरक्यूलस हूँ, मैं हेस्पेराडस का बाघ की खोज कर रहा हूँ, वहाँ पैदा होने वाले सोने के सेब लेने आया हूँ। यह सुनकर राक्षस एटलस जोर से हंसा और उसकी हंसी जो थी भयंकर गर्जना के समान थी। कुछ सोच करके उसने राक्षस एटलस ने बोला, मित्र तुम यह सेब कभी नहीं पा सकते। हाँ, यदि तुम कुछ देर के लिए मैं जो आकाश को धारण किया हूँ उसे तुम ले लेते हो, थाम लेते हो, तो मैं तुम्हें इस सोने का सेब लाकर दे दूंगा। यह बात एटलस ने कहा। हरक्यूलस तुरंत तैयार हो गया, उसने आकाश लेकर अपने कंधों पर रख लिया, कहा कि लाओ भाई यह कर काम करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, लाओ। तो एटलस जो अपने कंधे पर आसमान को उठाए हुए था उसको आप हरक्यूलस के कंधे पर ट्रांसफर कर दिया। अब इतना दिन कितने दिनों से वो आकाश के बोझ से दबा हुआ एटलस कुछ अंगराई ली, कुछ अपना देह हाथ को सोज किया और हंसकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हजारों वर्षों के बाद मुझे इस बोझ से छुट्टी मिली, राहत मिली। यह कहकर एटलस तेज तेज चलता हुआ और दृश्य हो गया। हरक्यूलस ने मन ही मन में सोचा कि ये तो बहुत बड़ा सातिर दिमाग का यह राक्षस निकला, अब ये मेरे कंधे पर आकाश रूपी बहुत बड़ा बोझ आकाश डाल दिया, अब ये थोड़े आएगा यहाँ पर, अब तो ये हमसे 400 बीसी करके निकल गया, अब शायद वह कभी लौट के मेरे पास नहीं आएगा, तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो इस आकाश के बोझ से सदैव दबा रहूँगा, मैं तो स्वतंत्र रहूँगा नहीं। तो आज की पढ़ाई बस यहीं तक रहने दिया जाए, कल मैं इसे पूरा करूँगा और आपसे मैं विदा ले रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।